शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही पूरे विश्व की गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है और इसकी कीमतों में जोरदार उछाल भी आया है। इस वजह से जो देश इन दो देशों पर गेहूं के लिए आयात पर निर्भर हैं, वहां पर गेहूं के दामों में जोरदार उछाल आया है। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से काले सागर के रास्ते से होने वाली यूक्रेन के गेहूं की सप्लाई प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों देश मिलकर पूरे विश्व में एक तिहाई गेहूं की सप्लाई करते हैं और यही कारण है जिससे पूरी दुनिया में गेहूं के दामों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में गेहूं की पैदावार काफी ज्यादा होती है। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन का गेहूं काफी सस्ता भी था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही सप्लाई रुकने से कीमतों में उछाल आया। अब जब यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई रुक गई तो कहीं ना कहीं से तो अन्य देशों को गेहूं खरीदना पड़ता, तो उन्होंने इसके लिए भारत की ओर रुख किया, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है और दूसरा भारत में गेहूं सस्ता भी है। भारत से गेहूं का निर्यात भी अच्छे से हुआ, सरकार ने भी खूब प्रोत्साहित किया, लेकिन ज्यादा गर्मी के चलते जो गेहूं उत्पादन का आकलन कम किया गया। जैसे ही भारत के गेहूं के उत्पादन आंकड़ों में कमी आई, वैसे ही सरकार सतर्क हो गई, क्योंकि किसी भी देश की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जनता को किसी भी चीज की किल्लत हो। इसी वजह से भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी भी लगा दी। हालांकि कई देश भारत से पाबंदी हटाने की गुजारिश भी कर रहे हैं। भारत ने छोटी मात्रा में गेहूं का निर्यात भी किया था, लेकिन तुर्की और मिस्र ने भारतीय गेहूं को लौटा दिया, इसलिए भारत अभी गेहूं निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेकिन जो देश भारत से लगातार गेहूं निर्यात करने की गुजारिश कर रहे हैं, इससे भारत उन देशों को सुचारू रूप से गेहूं की सप्लाई चालू रख सकता है, लेकिन इसके लिए अभी कोई फैसला नहीं आया है। वहीं जानकारों के अनुसार भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत कभी भी गेहूं के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हुआ है। भारत में गेहूं की खपत ज्यादा होती है। भारत में गेहूं हमेशा सरप्लस में ही रहता है, सरकार के पास भी स्टॉक ठीक ठाक रहता है, इसलिए अगर भारत गेहूं निर्यात चालू भी कर देता है तो भारत के पास गेहूं का ठीक ठाक स्टॉक बचेगा। जानकारों का यह भी कहना है कि रूस और यूक्रेन पर पूरी दुनिया का प्रेशर भी है गेहूं की स्थिति को देखते हुए, इसलिए अगर रूस काला सागर के जरिए यूक्रेन के गेहूं के जहाजों को आने की इजाजत दे देता है तो गेहूं की सप्लाई पूरे विश्व में सुचारू रूप से होगी और इसकी कीमतों में जोरदार गिरावट भी आएगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।